बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सर्दी काफ़ी हो चुकी है जैसा कि आपको पता है, और उम्मीद है कि आप मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे। गिट गिट की तरह मौसम भी अपने रंग बदली जा रहा है, कभी ज़्यादा सर्दी है तो कभी कम सर्दी है, कभी बारिश हो जाती है अचानक से पता भी नहीं लगता। और वेदर पर कब देखा जाए तो सम टाइम शो हो जाता है कि जी बारिश है तो नेक्स्ट डे बारिश नहीं होती। सो आज की जो वीडियो है हमारी, मैं बेसिकली मेन टॉपिक पे आऊँ, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक ट्राईपोड पे। ट्राईपोड मैंने कहने की मिनी ट्राईपोड है, ब्लॉगिंग ट्राईपोड है, बेस्ट बजट ट्राईपोड है। ट्राईपोड जो है वो मैंने ऑर्डर किया था, ये है हमारे पास हमारा ट्राईपोड आइकन का 7868 जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है ख्वाजा फोटोज से। तो मेरी फर्स्ट परचेज थी, लेट्स सी। बाकी मैंने दराज से भी सम चीज़ें मंगवाई हैं, बहुत सी शॉप की, लेकिन कोई ख़ास क्वालिटी नहीं मिली। तो आज हमने ये मैंने ऑर्डर किया था अराउंड अबाउट 2-3 दिन पहले, तो मुझे ये कल रिसीव हो गया। टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं इसकी जो है अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना सका। अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा है कि आज इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे साथ इसमें साथ साथ हमारी एक्सेसरीज़ क्या हैं और हमारा जो वज़न है वो कितना जो है लोड कर सकता है। और उसके बाद ये फ्लेक्सिबल ट्राईपोड है, काफ़ी अच्छा ट्राईपोड है क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे थे ख्वाजा फ़ोटोज़ पे। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि जी हमारे ट्राईपोड्स में से क्या क्या निकलता है, एक्सेसरीज़ क्या क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। और यहाँ पर इसके ऊपर हम यहाँ पर अब कैमरा जो है वो माउंट करके देखेंगे कि हमारा करता है कि इसका जो है ईजीली माउंट हो जाता है कि नहीं। चले अपने प्रोडक्ट है जो वो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि जी इसमें से हमारे पास क्या क्या निकलता है। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी इन्होंने की हुई है, अब देखते हैं। ब्लेड यूज़ करना पड़ेगा, पैकिंग काफ़ी टाइट है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत पैकिंग की है। मैं थैंक यू कहता हूँ ख्वाजा फ़ोटोज़ को कि आपने हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत की है ताकि उसमें कोई डैमेज वगैरह ना आए। लिटरली मेरे हाथों को चिपक रही है ये टेप वेप। पैकिंग क्या बात है जी, पेपर निकला था लेकिन मैंने गलती से कट आउट हो गया, तो ये बस बड़ा ही खूबसूरत वो बैग था, शॉपिंग बैग। और ये जी ख्वाजा फ़ोटोज़, ये चीज़ वेल कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम परचेज थी। बाकी जी खैर है, कोई बात नहीं। और ये आगे जी हमारी आइकॉन 7868 मिनी ट्राईपॉड। बाकी अगर इस पर आए तो ये 2 kg का है जो लोड 4.4 lbs तक है। मैक्सिमम हाइट इसकी 26.5 cm है, फोल्डिंग जो हाइट है वो 32 cm है। मिनिमम हाइट इन्होंने लिखी हुई है 17.5 और वेट जो इसका है 0.305 kg, अराउंड अबाउट कह लें आपके 300 ग्राम या 350 ग्राम के अराउंड अबाउट। और बाकी यहाँ से ये सील पैक है, काफ़ी खूबसूरत पैकेजिंग है। और बिस्मिल्लाह करते हैं, ओपन करते हैं इसे। क्या बात है, सबसे पहले जी हमारा ट्राईपोड आ गया जी। ओहो, ये हमारे पास जी रिसिप्ट आ गई है हमारी परचेजिंग की। और नेक्स्ट हमारे पास जी हमारा ये आ गया जी, ब्लॉगिंग ट्राईपोड आ गया। ये देखिए जी हमारा माउंट हो गया कैमरा, और ये हमने माउंट किया है, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रख दिया है। काफ़ी इजीली कह लें कि इसकी जो रोड ग्रिप, रोड ग्रिप तो टायर की होती है, मतलब कि जो सरफेस ग्रिप है
वो काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे अपना वो मोबाइल माउंट करके देखेंगे कि मोबाइल जो है हमारा कैसे माउंट। चल सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं लेग सीधी कर रहा हूँ, उसके बाद ये अपना लगाते हैं जी जो है बाल हेड के ऊपर, हम इसको एडजस्ट करते हैं पहले। ये हमारा इसमें उन्होंने दो स्क्रूज की जगह दी हुई है, अगर आपने अपने टेबल पर रिकॉर्डिंग करनी है ये मतलब कि ऐसे आप करके अपना जो ट्राईपॉड है ओपन करके और उसके बाद ये ऐसे आप ऊपर लगा के इसे, पहले मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ इसका फंक्शन जो है वो वाला। ये टाइट हो गया, ये हमारे पास मोबाइल है, ये हमने मोबाइल हमारा अटैच हो गया। मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको नीचे ऐसे कोई वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे कोई काम वगैरह कर रहे हैं लिखने वाली है, तो उसके लिए ये वाले ऐसे हम जो है मोबाइल को अपने को वो कर सकते हैं माउंट। नेक्स्ट जो है अगर आपने व्लॉगिंग वगैरह करनी है तो ये मैं आपको अनमाउंट कर रहा हूँ मोबाइल को। अब मैं आपको दूसरा, अगर आपने ऐसी व्लॉगिंग करनी है तो इसके लिए आपको ये ऐसे आपने लगाना है ये चीज़, और ये हमारा सिक्योर टाइट हो गया और आप ऐसे जो है वो व्लॉग को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मैं इधर जा रहा हूँ, कोई भी बन के आप वीडियोस वगैरह या कुछ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका ये है कि ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, तो आइकॉन मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ कि आप भी ख्वाजा फ़ोटो से परचेज़ करें, ताकि आप अगर कोई न्यू सेटअप या कोई आप बिगनर हैं, आप व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले या कुछ कर, मैं तो खुद प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने खुद अभी स्टार्टअप किया है, लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और जो इसका मटीरियल इसमें यूज़ हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और बाकी जो लोग ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को है वो लाजमी लाइक करें, और उसके बाद मैं अपना इंस्टाग्राम का भी नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे फ्री अगर आप मेरी फ़ोटोग्राफी अगर देखना चाहते हैं तो आपको वो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं अपना जहाँ से मैंने परचेज़ किया ख्वाजा फ़ोटो से वहाँ पे मैं आप बाइंग लिंक दे दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच ख्वाजा फ़ोटोज़, जो आपने इतनी अच्छे प्रोडक्ट मुझे दी कि थैंक यू सो मच ख्वाजा फ़ोटोज़, तो आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई और मैं आपको भी प्रेफर करता हूँ। तो इंशाल्लाह सून आपको फूड व्लॉगिंग रिव्यूज़ में आपको मैं नज़र आऊँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।